कालू एक अमावस्या की रात अपने घर छुट्टी मनाने के बाद वो अपने गांव से अपने हॉस्टल वापस जा रहा था। अगले दिन से ही उसके एग्जाम शुरू होने वाले थे और जल्दी पहुंचने के चक्कर में उसने एक शॉर्टकट लेने का सोचा। उस शॉर्टकट का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। कई पक्षियों का कहना था कि जंगल के उस रास्ते पर कई सारी भूतिया चिड़िया की आत्मा देखी गई है, लेकिन कालू को भूतों पर यकीन नहीं था और वो उसी रास्ते पर आगे चलता गया। कालू आगे जा ही रहा था कि उसने अपने पीछे से एक बस आती दिखाई दी। मेन रोड तक पहुंचने के लिए कालू को बस या गाड़ी की जरूरत थी, इसलिए उसने उस बस को हाथ दिखाया और वो बस उसके पास आकर रुक गई। बस में चढ़ने के बाद कालू ने देखा कि बस में बैठे सभी पक्षी उसे देख रहे हैं। उसने बस के आखिर में एक सीट खाली देखी और वहां जाकर बैठ गया। पीछे बैठने के बाद जब उसने आगे देखा तो सारे पैसेंजर उसे ही घूरे जा रहे थे। बस में अगली वाली सीट पर बस की कंडक्टर बैठी हुई थी। कालू ने उससे कहा, अरे कंडक्टर साहिबा, जरा एक टिकट दीजिएगा। तो उस चिड़िया ने बड़े ही अजीब तरीके से कालू को अपने पास बुलाया। ए कौवे, टिकट चाहिए ना, इधर आ, जल्दी आ। कालू को वो कंडक्टर बहुत ही डरावनी नजरों से देख रही थी। कालू ने अपने साथ बैठे पक्षी से कहा, बड़ी अजीब चिड़िया है, ऐसे देख रही है जैसे खा जाएगी। कालू के कहते ही उसके साथ बैठा पक्षी भी उसे वैसी नजरों से घूरने लगा। फिर कालू ने उससे पूछा, भाई साहब बताना, ये बस कहाँ तक जाएगी? तो उसके साथ बैठे पक्षी ने कहा, ये बस चलती रहती है, कभी अपनी मंजिल तक पहुँचती नहीं है। ये सुनकर कालू कौवे को बड़ा अजीब लगने लगा। उसने आगे देखा तो अभी भी बस के सभी पक्षी उसे ही देखे जा रहे थे, इसलिए उसने अपने कान में ईयरफोन लगाए, मोबाइल पे म्यूजिक चलाया और आंखें बंद करके सो गया। कुछ देर बाद बस में अचानक एक जोर का झटका आया और वो बस बेकाबू हो गई। कालू की नींद खुल गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो जो उसने बस का नजारा देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। सामने कंडक्टर चिड़िया अपने असली रूप में खड़ी थी। वो कोई और नहीं बल्कि भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा थी। बस में बैठा हर पक्षी बहुत अजीब लग रहा था, जैसे वो सब जिंदा मुर्दे हो गए हों। कालू ये सब देखकर बहुत डर गया था और वो बस से निकलने के लिए अपनी सीट पर खड़ा हुआ था। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उसके पास आई। अब तुम्हें कौन बचाएगा कालू कौवे? हम सब तुझे मार डालेंगे और तू भी हम सब की तरह भूतिया चिड़िया की आत्मा बन जाओगी और इस बस के ना खत्म होने वाले सफर पर हमारा साथ दोगे। ये सुनकर कालू बुरी तरह कांपने लगा। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। भूतिया कंडक्टर चिड़िया उसके पास आई और कालू का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठाकर जोर से पटक दिया। उसके सर में बहुत गहरी चोट आई जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो अपने घर में था। उसका पिता उसके पास ही बैठा था। कालू को होश में आता देख कड़कनाथ सेठ बोला, सुनो कालू की माँ, कालू को होश आ गया है, जल्दी आओ। तभी कालू अपने पिता से पूछने लगा, वो बस वो चली गया, वो चली गई क्या? कौन सी बस? तेरा रोड एक्सीडेंट हुआ था, वो तो शुक्र है कि एक जानने वाले पक्षी ने तुझे देख लिया और हमें फोन कर दिया, वरना पता नहीं क्या होता। पूरे 4 दिन बाद होश आया है तुझे। ये सब सुनकर कालू को बहुत अजीब लगा। उस दिन के बाद से कई अमावस्या की रात ऐसी गुजरी जहां कालू की जंगल के रास्ते पर एक बस जा रही थी जिसमें वही पक्षी बैठे दिखते हैं जो उसे दूर से ही घूरते रहते हैं। सिर्फ कालू ही जानता था कि उस दिन उसके साथ कोई रोड एक्सीडेंट नहीं बल्कि उसका सामना एक भूतिया चिड़िया की आत्मा की बस से हुआ था। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। दिवाली के त्योहार पर इस गांव के घरों में मोमबत्ती, दी और बिजली के रंग बिरंगे बल्ब जगमगा रहे थे।
ये क्या, आज तो गांव रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रहा है। जरा जाकर देखूं तो कहीं आसमान के तारे तो नहीं उतर आए इस गांव में। ये कहते हुए भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा गांव में आ जाती है। भाई दिवाली भी सचमुच अनोखा त्योहार है, देखो ना गांव कैसे जगमगा रहा है। मैं तो कहूँ कि दिवाली का त्योहार साल भर में नहीं बल्कि रोज मनाना चाहिए। हरी की ये बात सुनकर भूतिया चिड़िया की आत्मा गुस्से में कहती है, अरे दिवाली के त्योहार पे इतनी जगमगाहट होती है, फिर तो मैं रोज दिवाली मनाऊंगी। रोज इस गांव के आसमान में रात को जितनी भी तारे चमकते हैं उन सबको चुराऊंगी और अपने घर पर सजाऊंगी, फिर तो मेरे घर रोज दिवाली होगी। उसके बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा पहाड़ी पर बने अपने घर जाती है और वहां जाते ही आसमान पर रहने वाले भूतिया टुन्नू चुड़ा की आत्मा को फोन मिलाती है। हेलो भैया। हेलो छोटी, कैसी हो बहना, कहो कैसे याद किया। भैया क्या आप आसमान से कुछ तारे तोड़कर मेरे पास भेज सकते हो। अरे छोटी ये कौन सी बड़ी बात है, आज ही अपने दोस्त राहू से कहकर तारे भिजवा देता हूँ। पर मुझे तो रामपुर गांव के ऊपर चमकने वाले तारे चाहिए भैया, ताकि मेरे घर रोज रात दिवाली की जगमगाहट रहे और उस गांव में अंधेरा छा जाए। ठीक है छोटी, मैं तुम्हें वही तारे भिजवा देता हूँ, अब तो खुश। हाँ भैया मैं बहुत खुश हूँ। फिर रामपुर गांव के ऊपर चमकने वाले सारे तारे उसके पास भिजवा देता है और वो उन सब तारों को अपने घर के ऊपर सजा देती है। अरे देखो मेरे घर में तो रोज रात दिवाली की जगमगाहट होती है और उधर रामपुर गांव के ऊपर अंधकार छाया है, बेचारा अकेला चांदी चमक रहा है। इस घटना के बाद रामपुर गांव के पक्षियों का दुर्भाग्य शुरू हो जाता है, गांव में अनहोनी घटनाएं घटने लगती हैं। हमारे गांव के तो ग्रह ही खराब चल रहे हैं भाई, मौत पर मौत हो रही है। दिवाली के 5 दिनों में 5 पक्षी मर चुके हैं, रात आसमान में भी चांद ही दिखाई देता है, सितारे तो गायब हो गए हैं। गांव वालों को परेशान देखकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बहुत खुश होती है। मूर्ख गांव वालों, जितना रोना है रो लो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारे भाग्य के सब सितारे तो मैंने चुरा लिए हैं। इसके कुछ ही दिन बाद एक पहुँचे हुए बाबा गांव में आते हैं। बाबा जी हम सब गांव वाले बड़े संकट से गुजर रहे हैं, अगर समाधान हो तो बताओ, बड़ी कृपा होगी आपकी। ये कहकर वो बाबा को सब सच बता देते हैं। तुम सब गांव वालों के भाग्य के सितारे एक भूतिया चिड़िया की आत्मा ने चुरा लिए हैं। तुम्हारे गांव के ऊपर चमकने वाले सारे सितारे अब उसके घर में चमकने लगे हैं। बाबा जी क्या सितारों को वापस लाने का कोई उपाय नहीं है। कल पूर्णिमा की रात है, तुम सब गांव वाले उपवास रखो और चंद्रमा की पूजा करके उसे जल अर्पण करो, अगर चंद्र देव खुश हो गए तो सब सितारे अपनी जगह वापस आ जाएंगे और सबका संकट टल जाएगा। फिर इस भूतिया चिड़िया की आत्मा का क्या होगा बाबा। चंद्र देव की शक्ति से वो भी अपने आप गायब हो जाएगी। फिर अगले दिन पूर्णिमा को गांव के सभी पक्षी उपवास रखकर चंद्रमा की पूजा अर्चना करते हैं और फिर उन्हें जल अर्पण करते हैं। इस तरह चंद्रमा प्रसन्न हो जाते हैं और गांव वालों के भाग्य के सितारे वापस से गांव में आकर चमकने लगते हैं। साथ ही भूतिया चिड़िया की आत्मा भी हमेशा के लिए गायब हो जाती है।